हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड 20 के रिगार्डिंग। जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख चुके हैं आप कि मिनिमम 40 रुपये से इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं गोल्ड में, तो टोटल इसके बारे में समझेंगे। अगर आपको नॉलेज है इसके बारे में तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नए हो शेयर बाजार में और आप चाहते हो कि हमें सोने में भी निवेश करना चाहिए, जैसे कि अगर हम पिछले पीछे कुछ समय में सोने की बात करूँ तो बहुत ही तेज़ी के साथ लाइफ टाइम हाई सोना लगा दिया और 70,000 के पास ट्रेड करने लग गया था, और वहीं चांदी भी बिल्कुल अपने हाई पे 80,000 के को टच करने वाली थी। तो इस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर में तेज़ी आ रही है, तो आगे भी तेज़ी बने रहने की संभावनाएँ हैं, क्योंकि जिस तरह से अब गोल्ड में तेज़ी कब आती है, जब हमारी इकोनॉमी डाउन होती है, शेयर बाज़ार डाउन होते हैं, तो क्या करते हैं लोग, शेयर बाज़ार से पैसा निकाल के सोने में इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, इसलिए सोने में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। सोना एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि वो एक धातु है, कोई कंपनी नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है कि जिस तरह से कंपनी या बॉन्ड ख़त्म हो जाती है, कंपनी घाटे में चली जाती है। सोना एक धातु है, पीला धातु है, जो कि हमारे घर में पड़ा रह सकता है, हमारे पास पड़ा रह सकता है, हमारे लॉकर में सेफ रह सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैसों को सेफ रखने के लिए इन्वेस्टमेंट गोल्ड में शिफ्ट करते हैं। इस वजह से गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक होता है जब हमारे देश में कोई प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि इतनी बड़ी पैंडेमिक आई थी कोरोना वायरस, उस टाइम देखिए अब गोल्ड किस तरह से हाई पे हाई लगा रहा था। सबने ये कह दिया था कि चांदी 1 लाख रुपए को टच कर जाएगा, लेकिन अभी जैसे थोड़ा सा रिवाइवल हुआ है, थोड़ा सा ठीक हुआ है सब कुछ, वो अपने लाइन पे अपने पैटर्न पे आ रहा है। अगर वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है वो 0% है, मतलब वहाँ पे अगर आप अपने बैंक में पैसे रखते हो तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता, इसलिए लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। जो स्टॉक मार्केट से डरते हैं वो सीधा गोल्ड में निवेश करते हैं, ये भी एक रीज़न है गोल्ड के चांस में चांस गोल्ड के प्राइस बढ़ने के। और अगर लास्ट जितने मर्जी साल पुराना डाटा आप उठा के देख लीजिए, जो हम इंडियंस के हम भारतीय लोगों का सबसे भरोसेमंद निवेश है, सोना ही माना जाता है, हम लोग सोना ही खरीदते हैं। तो अब बात यह आ रही है कि हम फिज़िकल सोना अगर ख़रीदते हैं तो 10 ग्राम का भाव अभी के हिसाब में मेरे हिसाब से 45,000 रुपये के रेट में चल रहा है अभी, तो 45,000 रुपये का 10 ग्राम सोना है। अगर 1 ग्राम का हम सिक्का भी खरीदते हैं तो 4,500 रुपये का है। तो किस तरह से हम अपने छोटे छोटे निवेश को सोने में करें, तो यही है गोल्ड 20। गोल्ड 20 एक ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हम जिसे कह सकते हैं, निप्पॉन इंडिया ने इसे निकाला है, और भी बहुत सारे कंपनीज के हैं, बट वो मिनिमम 1 ग्राम सोना देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसका एक क्वांटिटी सेट कर दिया 0.01 ग्राम, जो कि सिर्फ 42-43 रुपये के रेट में अभी चल रहा है, और वहां से आप परचेज कर सकते हो। एक सिंगल आप एक जितने मर्जी उतने क्वांटिटी में, मिनिमम आप 45 रुपये का 42 रुपये का जो भी रेट चल रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रेट 43 रुपये रेट चल रहा है, 43 रुपीज़ का आप एक खरीद सकते हो, एक क्वांटिटी एक यूनिट खरीद सकते हो। अब होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा गोल्ड 20 क्या, इसके फ़ायदे क्या है हम ये समझेंगे। देखिए फिजिकल सोना, मैं मान रहा हूँ आपके पास पैसे हैं, आप फिजिकल सोना खरीद लेते हो, लेकिन उसे रखने में कितना प्रॉब्लम होता है, आप देखो कहाँ रखेंगे हम, लॉकर करना पड़ेगा, उसके ऊपर खर्चे, GST, और एकदम से बड़ा क्वांटिटी है, चोरी होने का खतरा है, डर है, लॉकर में रखते हैं तो बैंक डिफॉल्ट हो गया तो दिक्कत है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे डर होता है, इसलिए लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। ये क्या होता है कि आप जब समझ लो, अगर आपने 10 ग्राम सोना खरीद लिया, यानी 43,000 रुपये का आपने खरीद लिया सोना, और ये 43,000 रुपये की यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा हो जाती हैं। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप न्यू हो बिल्कुल, आपको नहीं पता डीमैट अकाउंट्स वगैरह क्या, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो, तो आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा हो जाती है, उसे आप जब चाहो तब कैश कर सकते हो। आगे हम देखेंगे क्या क्या इसमें है फंक्शंस है। सबसे पहले मैं 25 सितंबर का एक डाटा उठा के देखता हूँ, तो इसमें देखिए ट्रेडिंग कितना ज़्यादा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो आप 52 लाख यूनिट ट्रेड हुआ है, और वहीं 72% लोग डिलीवरी लिए हैं। कौन इसे बाय कर सकता है, हु शुड बाय गोल्ड, अब यहाँ पे कोई भी बाय कर सकता है। सबसे पहले मैं एक इन्वेस्टर है जो कि इन्वेस्टमेंट करता है गोल्ड में,
गोल्ड में पैसे लगाता है या फिर गोल्ड को खरीद के रखना चाह रहा है, वो सोना को फिजिकल सोना खरीदना चाह रहा है, लेकिन फिजिकल खरीदने में उसको ये प्रॉब्लम है कि एक साथ इतना बड़ा फंड पे करना है, रखने का प्रॉब्लम है, कहाँ रखेंगे और लॉकर्स में रख रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, और लोगों को पता लगता है कि इनके इन्होंने इतना सोना खरीदा है, और GST वगैरह का भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ टोटल पक्के का पैसा होता है और डीमैट अकाउंट में आपके स्टोर होता है, तो यहाँ पे कोई भी बाइंग कर सकता है। अब इट इज़ सेफ, क्या ये सुरक्षित है, हम ये देखेंगे। देखिए, जितने परसेंट आपके शेयर सुरक्षित हैं उतना परसेंट ये है। अगर आप फिजिकल सोना खरीदते हो, पहले मैं जैसे मैंने बताया चोरी होने का डर, बहुत सारे डर है, लेकिन इसमें कोई डर नहीं है, ये आपके डीमैट अकाउंट में है। डीमैट अकाउंट क्या है, वो आपके ब्रोकर के पास नहीं है, वो एक डिपोजिट्री है, NSDL या CDSL। तो यह तो CDSL में आपका अकाउंट है या NSDL में, दोनों में से किस में भी है, ये कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकती है। ब्रोकर्स भाग जाते हैं, जैसे पीछे कार्वी भाग गया और अमरपाली भाग गया, मनसुख भाग गया, कितना सारा ब्रोकर भाग गया, यूनिकॉर्न भाग गया, ब्रोकर्स भाग सकते हैं, लेकिन जो डिपोजिटरीज हैं वो नहीं भाग सकते। आप बस अपने डिपोजिटरी का ध्यान रखिए कि मेरा जो सोना, मैंने जो यूनिट्स खरीदे हैं वो मेरे डीमैट अकाउंट में ही हैं, ये कन्फर्म रखिए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम फिजिकल सोना खरीदते हैं तो भैया हम तो इसे गिरवी भी रख के पैसे ले सकते हैं ना, हम उसे प्लेज कर सकते हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है, हम उसे गिरवी रख दिए, बेटे की शादी है हम उसे गिरवी रख दिए, तो क्या हम इन शेयर्स को गिरवी रख सकते हैं? ये जो हमें ETFs मिल रहे हैं, यूनिट ट्रेडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मिल रहा है, क्या हम इसे गिरवी रख सकते हैं? तो बिल्कुल आप इसे गिरवी रख सकते हो, आप इसे प्लेज कर सकते हो अपने ब्रोकर के पास। अभी तो नया बिल्कुल सिस्टम आ गया है प्लेजिंग का, प्लेजिंग और मार्जिन का। आप अगर प्लेज भी करते हो अपने ना ये गोल्ड्स, तो आपके डीमैट अकाउंट में ही रहते हैं, लेकिन प्लेज मार्क हो जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो से अभी क्या बदलाव किया है, तो हमारे चैनल में वीडियो है, आई बटन मैंने डाल दिया है, देख लीजिए। तो यहाँ पे आप प्लेज कर सकते हो, गिरवी रख सकते हो, और सबसे अच्छी बात कि वो आपके डीमैट अकाउंट में ही रहेगा, सिर्फ प्लेज मार्क हो जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कितना है, आप एक सिंगल यूनिट भी खरीद सकते हो, ₹43 आप लगा दो और आपको एक यूनिट मिल जाएगा। आप एक्युमुलेट करते रहो, हर महीने में आप चाहते हो कि 10 यूनिट खरीदना, ₹430 आप लगाओ, हर महीने में 10 यूनिट खरीद दो, देखो ₹430 करके हर महीने में 10 यूनिट खरीदोगे, हर महीने में 100 यूनिट भी खरीदते हो, आप ₹4500 हर महीने लगा रहे हो, आप देखोगे कि 10 महीने में आपके पास 10 ग्राम सोना हो गया और आपको पता ही नहीं लगेगा। तो एज SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, अब इसमें पैसे लगा सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया, मतलब इसका फंडा है, इस तरह से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अकुमलेट करके। तो गोल्ड कौन कौन गोल्ड बीस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर आप कर रहे हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप सोच रहे थे कि इस तरह का कुछ इन्वेस्टमेंट हो, सेम इसी तरह से निफ्टी में भी आप कर सकते हो, निफ्टी बीस भी है, बैंक निफ्टी बीस भी है, उनके मैं वीडियो सेपरेट बना दूंगा। होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको समझ में आया होगा कि गोल्ड बीस क्या है। फिर से इस वीडियो को एक छोटा सा समराइज में कर दे रहा हूँ, अगर आपको पूरे वीडियो में नहीं समझ आए तो होप करता हूँ इसमें ज़रूर आपको समझ में आएगा। गोल्ड बीस एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जिसमें कि आप गोल्ड में डायरेक्ट पैसा ना लगा के इसमें आप एक यूनिट्स आपको मिल जाते हैं, ETF मिल जाता है, आप उसमें पैसा लगाते हो। ये क्या करते हैं आपके पैसों का, ये फिजिकल गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, इनको एज अ सिक्योरिटीज रखना पड़ता है। बहुत सारे और स्कीम्स हैं, पेंजी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स में आप मत जाइएगा, वो बेवकूफ़ बनाने वाली स्कीम्स हैं। ये जो कंपनी है जैसे कि निप्पन लाइफ हो गया, निप्पन एसेट हो गया, ये सब डायरेक्ट जितने का आपका मार्केट से पैसे उठाते हैं उतना गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, तो ये सब सेफ है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक चवन्नी भर का भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इसमें आँख बंद करके पैसा डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। सोना का वैल्यू हमेशा बढ़ेगा, कभी नहीं घटेगा, लंबे अवधि के लिए आप बस पैसे जोड़ना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये, जैसे कि मैं हर बार बोल दिया हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगा। एक्सचेंज में आप ट्रेड कर रहे हो, आपको फिजिकल नहीं मिल रहा, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन इसमें कोई आपको रिस्क 1% का भी नहीं है। अपने माइंड के हिसाब से जब जब चाहे आप, जब जब गोल्ड का प्राइस नीचे आता है आप उठाते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर तो है नहीं कि ये जीरो हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, सारी ज़िंदगी इसका वैल्यू रहना ही रहना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।